हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। दर कल से पीएमएसएल पाकिस्तान के क्वालिफायर जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसके पॉइंट टेबल में डे वन खत्म होने के बाद हमें एमएसएक्स स्टार जो है वो 8 पॉइंट के साथ लीड करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि यार सेकंड पे R9 ई-स्पोर्ट्स है और थर्ड पे टीम 7 ही। यार इनके नेम चेंज हुए वो तो खैर आप लोग समझ ही लेना। बगैर इसके अलावा गट्स एंड ग्लोरी जो है वो #7 पर है, टफ जो है वो #11 पर, बॉडी #17 पर और रेज #20 पर। यार मजीद टीम्स की जो रैंकिंग है वो भी आप लोगों के सामने आ रही होंगी। और टीम स्टार ने तो कल के दिन में क्या ही परफॉर्मेंस दिखाई है और क्या ही उन्होंने चिकन डिनर भी निकाले हैं। यार कल के दिन में टीम स्टार जो है वो 3 मैचेस में से 2 में से चिकन डिनर निकाल लेती है और क्या ही वो हमें किल्स वगैरह निकालते हुए भी दिखाई देते हैं। तो अगर आप लोग स्टार के फैन है, स्टार का कमबैक जो है वो आ चुका है। और यार स्टार की क्या परफॉर्मेंस रही कल के दिन में उसका आपको अंदाजा लगाना है तो आप लोग अगले 2 चिकन डिनर देख लें, उससे अंदाजा हो जाएगा। ना करना चाहते हैं लेकिन प्रोन डाउन होकर एक थर्ड पार्टी एंगल से टीम मीड शॉट एक स्टार अपने लिए एक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करती है। नॉकआउट इनफैक्ट उन्होंने ला है, एलिमिनेशन पॉइंट उनके पास दूसरा भी कंफर्म हो चुका है। और इसी के साथ ही साथ 6 टीमें हैं जिनमें से कोई एक नाम होगा जो उनकी नाकाम हो सकती है। ग्रेनेड उनकी तरफ स्टार करते हुए दिखाई देंगे, स्टार के प्लेयर करते हुए दिखाई देंगे और जीडी रिवाइव होते ही नॉक हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर MSX स्टार 4 प्लेयर जिंदा, बड़े दावेदार चिकन डिनर की ये टीम भी है। लेकिन आरिफ को स्पॉट करना पड़ेगा, किया जाएगा ग्रेनेड के साथ, उनको डैमेज भी पहुंचाया जाता है। MSX इज पुशिंग, दिस कैन बी अ मिस्टेक, पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। वांटेड यहां पर आरिफ को एलिमिनेट करेंगे। नाउ इट्स अ 3v4 आदि। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन दी नेमलेस के शाहमीर का ग्रेनेड, अपनी पोजीशन तो वो कॉम्प्रोमाइज उन्होंने की है, लेकिन आलियान दोबारा से नॉकडाउन उनको कर दिया जाएगा। शाहमीर स्टेप्स इन, वांटेड को गिरा लिया जाएगा। पीछे से MSX स्टार के प्लेयर्स आगे धावा बोलते हैं। शाहमीर रह चुके हैं, T24 OP का एंगल अभी के लिए कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं है, लेकिन MSX स्टार के प्लेयर्स के ऊपर अपने क्रॉसेस बनाए जाएंगे। DBS का बोलबाला है, गिराएंगे, नॉकडाउन करेंगे, खुद भी गिर जाएंगे। MSX स्टार अपने चिकन डिनर कंफर्म करने के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। लीजिए दूसरे मैच का चिकन डिनर, मोबाइल सुपर लीग सेंट्रल एंड साउथ एशिया क्वालिफायर्स डे 1 के दूसरे मैच का MSX स्टार कंफर्म कर ले जाती है। आपको जाना पड़ेगा, आपको यहां से नीचे उतरना है और नीचे की तरफ 4v के जोकी हैं, फ्रंट टीम RTG के डॉग हैं, RTG के बाकी प्लेयर्स हैं, इनसे फाइट भी आपको एट द सेम टाइम लेना पड़ेगा। जिस फाइट की मैं बात कर रहा था, उस फाइट में टीम स्टार फिलहाल कामयाब हो जाती है पहले नॉकआउट की सूरत में। फर्दर स्टैब हमें डायरेक्ट बगी लेकर आगे भी बढ़ते हुए दिखाई दे जाएंगे। हिटमैन सामने मौजूद है, फाइट हो सकती है, इनसे फाइट लेना पड़ेगी, बट टैबी को नहीं अंदाजा कि बैक्सर फिर मौजूद है। यही चीज उनके खिलाफ यहाँ पर वर्क करेगी फॉर टीम RTG। हिटमैन ने नॉक निकाला लेकिन इंस्टेंटली उनको भी नॉक करेंगे बैक्सर से आने वाले स्टार के फ्यूरी। और फाइट को यहाँ पर एक तरफा नहीं होने दिया जाएगा, बराबरी पर लेके जाते हुए टीम स्टार खुद को फाइट में। अनफॉर्चुनेटली बाद में RTG के खिलाफ वो थर्ड पार्टी जो हुई उनको भी बैकसाइड से डैमेज मिला, उसे टीम टूट जाती है। RTG को अल्टीमेटली इसमें से एलिमिनेट कर ही दिया जाता है स्टार की तरफ से। टफ वर्सेस टीम R3G, इस फाइट का भी रिजल्ट निकलेगा। बहुत देर से जो फाइट यहां पर चल रही थी, कुछ देर के लिए टीम R3G पीछे हट रही थी, कभी टीम टफ बैकसाइड पे जा रही थी, अब फाइनली दोनों सामने आए और टीम टफ ही ने टीम R3G को भी इस मैच से एलिमिनेट करके अपने आप को टॉप 3 में जगह जरूर दिलवा दी है। लेकिन जो कि इज द प्लेयर जो कि अब सारे इस एक्शन को एंजॉय करेंगे व्हीकल में बैठ के, जस्ट इंतजार कर रहे हैं कि टीम स्टार टीम टफ आपस में लड़े और जब प्लेयर्स मर रहे होंगे जब अपनी टीम के लिए नजर आ जाए। लेकिन लेट्स सी क्या उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होने देगी टीम टफ टीम स्टार, क्योंकि अभी भी टीम स्टार के प्लेयर्स जो नॉकआउट है कन्फर्म नहीं हुए, उनको रेव दिया जा सकता है जो कि दिया भी जा रहा है। एंड बजाय टीम स्टार को जोन जो डैमेज था वो भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। सो टीम टफ के पास सिर्फ 2 प्लेयर्स 4v के जो कि लास्ट प्लेयर, बट स्टार डेफिनेटली एक और चिकन कर सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल टीम स्टार यहाँ से चिकन निकाल सकती है। M7 और वांटेड का 1v1 बनेगा, शॉटगन यहाँ पर चलती है M7 की। M7 टेक्स वन डाउन और यहाँ पर सामने से डैमेज आएगा रिटेलिएशन में। फ्यूरी एक कंफर्म करने की कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। 40 मंथ लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम टफ, ग्रेनेड उनकी तरफ से फेंका जाएगा बट फ्यूरी वो नहीं रुकेंगे, वो यहाँ पर अपने प्लेयर को ओपन कराना चाहते थे इस बगी के अंदर, लेकिन अकेले ही फ्यूरी आगे बढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन लेते हुए नजर आएंगे, स्मोक के पीछे जाते हैं। नाउ विद द शॉटगन ही वांट्स टू पुश, DBS उनके हाथ में मौजूद है, फंक किल कंफर्म करते हुए नजर आएंगे टफ प्लेयर के ऊपर। वांटेड को रेव दिया जाएगा बट वहीं पर फ्यूरी इज गोइंग फॉर 1v1, इज गोइंग फॉर 1v1, फॉल बैक करेंगे, सामने से S12K चलती हुई नजर आएगी जरूर, लेकिन स्टार के फ्यूरी वो रुकने का नाम नहीं लेंगे। फिर से आगे जाते हैं, प्लेयर को पूरी तरह से बेट कराएंगे, तलिस्मान आगे आते हैं, फिर से शॉट्स, रैंडम शॉट्स लेने की कोशिश नाकामयाब, अभी तक कोई भी कनेक्शन नहीं मिलेगा। रीलोड लेना चाहते थे बट फंक का ग्रेनेड गेम ओवर करेगा। अब एक 1v4 है जो कि जोकी के साथ बनेगा टीम स्टार का। स्टार दे आर गोना गेट अनदर चिकन डिनर, एक
और मैच, एक और शानदार परफॉर्मेंस। दिस इज द टीम स्टार जिसको देखना चाहते थे हम एक लंबे अरसे से, और फाइनली ऐसा होता है, वधन आ ही जाता है जब टीम स्टार निवाला छीनती है दूसरे प्लेयर्स के मुंह से और चिकन डिनर निकाल कर जाती है, जो कि इज गोना फाइंड वन, इज गोना कंफर्म हिज एज कंफर्म हिम एज वेल। और यहां पर एक किल दिया जरूर, लेकिन एक किल लिया जरूर। होपफुली आज के दिन में भी टीम स्टार जो है वो ऐसे ही परफॉर्म करेगी और मजीद टीम जी अपना कमबैक दिखाते हुए दिखाई देंगी। डे वन देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कौन सी टॉप 16 टीम्स फाइनल के लिए जाएंगी, आप लोग बता सकते हैं। अगर पीएमएसएल के क्वालिफायर जो है वो तो टीम आईएटी ई-स्पोर्ट नहीं खेल रही, लेकिन वन गेम ई-स्पोर्ट्स की तरफ से इनविटेशनल शोडाउन जो है वो आईएटी ई-स्पोर्ट्स हमें खेलते हुए दिखाई दे रही है। और कल के दिन में वन गेम ई-स्पोर्ट्स के मैचेस में आईएटी ई-स्पोर्ट्स एक विनर विनर चिकन डिनर भी निकालती है, जो कि आप लोग भी देख लें। सेवन ई-स्पोर्ट्स उनको भी पीछे अपने बैकयार्ड्स को क्लियर करना है, स्मोक्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन प्ले जोन से एलिमिनेट होता है। एक और नाम तीसरे पायदान पर T2K ई-स्पोर्ट्स का, टीम सेवन ई-स्पोर्ट्स क्या बच कर निकल पाएंगे या एगोनिक्स आईएट अपना पहला चिकन डिनर कंफर्म करने जा रही है। गॉन के पास 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स, सेवन ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर को गिराया जाएगा। टीम एगोनिक्स आईएट के क्रिप्टो की तरफ से शानदार एंट्री तो हासिल उन्होंने कर ही ली थी सर्कल में, लेकिन सेवन ई-स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली उनके दो ही प्लेयर्स रह चुके हैं जिसमें से एक प्लेयर काफी ज्यादा लो एचपी हो चुके हैं। ग्रेनेड से ही कहानी खत्म, एफपीपी मोड पे शिफ्ट करेंगे, जंप शॉट एक शॉट की कहानी है और चिकन डिनर कंफर्म। एगोनिक्स आईएट अपना कर लेकर चली जाएगी। तो जीजी टू टीम आई है, बाकी अगर आपको इनके सारे मैचेस देखने हैं तो मैं चैनल को डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा। यार इसके अलावा मजीद आगे बढ़े हैं, कल के दिन में पीएमएसएल की वॉच पार्टी जो है वो काफी ज्यादा प्लेयर्स वगैरह भी कर रहे थे, और यार इसी तरीके से ट्राइंडा जो है वो भी वॉच पार्टी कर रहे थे, तो उसमें बहुत से लोग जो है उनसे काफी सवाल वगैरह कर रहे होते हैं, और जिसमें से एक सवाल जो है वो पीएमएसएल के वीजा के रिलेटेड होता है। पीएमएसएल के वीजा का क्या सीन है, जो कि आप नेपाल में खेलने जाएंगे, उस बारे में ट्राइंडा क्या कह रहे होते हैं आप लोग खुद देख लें। वीजा रेडी यार उसके लिए, नेपाल के लिए वीजा ऑन अराइवल है, उसमें इतना मसला नहीं होता, लेकिन वो जो एक मतलब अभी जो मसला हुआ है ना, उसके बाद अब कोई महीना पहले वीजा अप्लाई करेंगे, ये चीज़ भी पहली दफ़ा हुआ है। पहले तो हम लोग मलेशिया भी गए और सऊदी भी गए थे, तो इतना कोई खास कुछ भी नहीं हुआ था, इस बार पता नहीं, अनलकी हुआ बहुत ज्यादा। यार अभी के लिए तो मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज़ थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।